यहाँ पर लोग जिप्सी से ही आते हैं, बट हम लोग ने अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आ गए हैं। लेकिन रास्ता है तब कहाँ अरे वो क्या है उस यार बर्थडे। थैंक यू। तो इसके बर्थडे में हम सीतामढ़ी की जा रहे हैं, सीता जी के बर्थडे में। और ये देखो हमारा हरा टिड्डा, हेलो उत्कर्ष, ए हंस गया। और ये दोनों बच्चे क्या बात है, ये हर्षना अपने डोरीमोन को भी लेके आई है। और ये डोरीमोन सोया हुआ है, वो मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ सीतामढ़ी, और बहरा जी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमारा काफी टाइम से था प्लान कि हम सीतामढ़ी जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हल्द्वानी से रामनगर की जो डिस्टेंस है वो 50 से 55 अप्रोक्स है, वहाँ से रामनगर से सीतामढ़ी की जो डिस्टेंस है वो 25-26 किलोमीटर। लेकिन मेरा जी दो रास्ते आते हैं, एक बेलपड़ा से जाता है सीतामढ़ी को और एक रामनगर से। नहीं, हम लोग अभी जाते हैं रामनगर से जाएंगे, क्योंकि हमें बेलपड़ा वाला रास्ता पता नहीं है, तो हम लेट भी हो सकते हैं। जंगल का रास्ता है पूरा, आते वक्त पता है। अच्छा, तो कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? बेलपड़ाव से। ओके, तो हमको बेलपड़ाव वाला रास्ता पता है, तो हम जा रहे हैं बेलपड़ाव के रास्ते। और रामनगर वाला रास्ता थोड़ा सा इजी है, और जो बेलपड़ाव वाला है थोड़ा जंगल का रास्ता है। ये मेरी दोस्त ने बताया, वो गई हुई है, वो यही की रहने वाली है चकलवा के, तो उसने बताया ऐसा। तो चलते हैं आगे, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव दिखाएंगे। तो यहाँ से बेलपड़ाव मात्र रह गया है 3-4 किलोमीटर। उससे पहले देखो अंशु को उल्टी हो गई। अंशु क्या हुआ, तबीयत खराब? प्लेन्स में बताओ यार, इसको उल्टी हो जा रही है। तो ये पहाड़ में कहाँ आएगा ये? देखो ये शैतान, ये इसने ना पूरी गाड़ी में तहलका मचा रखा है। देखो कैसे हंस रहा है, ओए ओए। ये बेलपड़ाव स्टार्टिंग है जस्ट, और यहीं से रास्ता कट जाता है सीतामढ़ी के लिए। वो देखो जानवर दिखने लग गए, दो बंदर दिख गए यहाँ पे। है पवलगढ़, और ये जो आप चौकी देख रहे हैं, यहाँ से अंदर से शायद एक खनन का काम हो रहा है यहाँ पे। ये कॉर्बेट एरिया है, तो यहाँ से ये बोलने की कार अलाउ नहीं है, तो अब हमको वापस जाना पड़ेगा और रामनगर के रास्ते आना पड़ेगा। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं रामनगर। जो रामनगर का जो पुल आता है बैराज वाला, वहाँ नहीं जाएंगे, उससे पहले एक रास्ता कटता है राइट हैंड साइड में, हम वहाँ को मुड़ जाएंगे। ये पहुँच गए हैं, तो यहाँ से सीतामढ़ी दिखा रहा है 23 किलोमीटर राइट हैंड साइड। वो देखो वो पूरा रामनगर दिख रहा है, और यहाँ से एक और बार स्टार्ट हो गया है रोड के दोनों तरफ घना जंगल। तो ये देखो ये एक रास्ता क्या है सीतामढ़ी के लिए मुड़ना है यहाँ पे। हमने भी यहाँ एक आदमी से पूछा, बोल रहा है बंद है, बंद है सीतामढ़ी का रास्ता, बंद है, पर कार से जाने नहीं देते। अच्छा, कार से नहीं जाने देते, और बाइक से? कुछ करती ना। यहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंदर जिप्सी अलाउड है ओनली, तो ये कार पता है जाने देते नहीं है। लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताएंगे। सस्पेंस बना रहेगा कि हम पहुँचे या नहीं पहुँचे सीतामढ़ी। ये यहाँ पे हम लोगों को रोक दिया गया है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो लोकल हैं जैसे रामनगर वाले वही जा सकते हैं, तो हम हल्द्वानी से आए हैं, तो इनने हमारा आधार कार्ड देखा, इनने कहा आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा जुगाड़ लगा रहे हैं, फ़ोन ऑन करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखो हमें यहाँ पर रोक दिया गया है, हम लोग पहुँचे हैं, ये टेढ़ा गेट है, और हम टेढ़ा गेट है, और इन लोग को हमें भी टेढ़े लग रहे हैं क्योंकि हमको रोक दिया इन्होंने। तो क्योंकि ना शायद यहाँ पर जिप्सी अलाउ है अंदर जाना, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में आता है। तो बट देखते हैं चलिए हमारा क्या होता है, हमने बात तो करी है, थोड़ी सी पहचान लगाई है। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ आपने देखी है अभी जाते हुए, भंडार पानी पे रुकी जाएंगी। हाँ, ये वहाँ पे जो इसके आगे वाला गेट है वहाँ पे बहुत सख्ती से चेकिंग होती है। तो हम यहाँ खुद रुक के, हमने खुद पूछ लिया इनसे, तो इन्होंने बोला है यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हो। तो अभी हम फोन ऑन करवा रहे हैं, देखो क्या होता है। फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग में, बहुत मजा आएगा, आपको पता ही है हम दोनों कितने खतरनाक है। ट्राई करते हैं, जाके दिखाएंगे आपको। 75 years later. क्या क्या हुआ, कितने रुपए लगे उसमें अंदर? 50 रुपए। किस चीज़ के गाड़ी के ना? और टिकट हो गया। अच्छा, मतलब 50 रुपए में।
तो आप लोकल हैं यहाँ के, तभी आप जा सकते हैं, या आपकी हमारी तरह पहचान हो। मेरा जी क्यों फेंक रहे हो आप इतनी? फेंक कर रहा हूँ, जा नहीं रही हमारी गाड़ी। तो भाई फाइनली बहुत सारा जुगाड़ करके आखिर हम लोग चल दिए। इंडिया में यार जुगाड़ तो चलता ही है यार, और अगर हम हल्द्वानी के हैं और फिर यहाँ ना जा पाए तो फिर बेकार है। तो हम पहुंच चुके हैं भंडार पानी गेट पे। हम तारों के नीचे से नहीं आए, हम परमिशन लेके आए हैं, वो वहाँ पे उनको देना पड़ेगा। देखो ये भंडार पानी की चौकी है, गेट खुल चुका है और अब हम जा रहे हैं अंदर। हम अंदर को एंटर कर चुके हैं, सामने देखो तुम, यहाँ से दिखेगा। फ्रेंड्स ये देखिए जंगल ट्रिप है हमारा मस्त वाला, काफी ऑफ रोडिंग है, आपको दिख रहा होगा। हमारे ब्लॉगर ऑफ रोडिंग ना हो तो क्या बात है ना। यहाँ पर लोग जिप्सी से ही आते हैं, बट हम लोग ने अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आ गए हैं, बिल्कुल बजरंगी भाईजान की तरह परमिशन लेकर आए हम। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने बीचों बीच जंगल में गाड़ी लगा दी अपनी, बिल्कुल डांस कर रहे हैं आपको, और हम साक्षी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंशु तू अपनी बाज की नजरों से चाहो तो देखते रहना। क्या क्या आवाज आ रही ना, पागल ऐसा मत बोल। अरे चिड़िया बोलती रहती है। ए अंशु आजा, अकेले बैठते हैं, चलो 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 चलो। जो गाड़ था कि यहाँ पे जो नाला आ रहा है यहाँ, मतलब इतना पानी चल रहा है कि नंबर प्लेट तक, और यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, बताओ यार। लेकिन रास्ता है तब। कहाँ कहाँ मोर है यार, मोर है वो, देखो ये पानी देखते ही सब बच्चे उतर गए हैं। वो भाई बोल रहा था नंबर प्लेट तक पानी है, वो इस नाले की बात कर रहा था। तो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे फोटो सेशन। अरे वो क्या है उस यार। तो फोटो सेशन हो गया है कंप्लीट, मुझे बहुत डर गई। तो आप बैठते हैं, चलते हैं आगे को। चलो वो फाइनली हम लोग इतने मजे करते हुए मस्ती करते हुए मंदिर के पास पहुंच गए हैं। मंदिर पे आने का रास्ता इतना भी खराब नहीं है, थोड़े बहुत बीच बीच में कहीं पत्थर हैं, वहाँ पे हम हल्के चल रहे हैं। वो सामने अगर GoPro दिखा पा रहा होगा तो सामने मुझको मंदिर दिखने लग गया है, सीतामणि का ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। तो जहाँ हम पहले आए थे ना पवलगढ़, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है पवलगढ़ मार्ग। यहाँ से हम जाते वक्त हम चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन देखो कहाँ से जाते हैं, बैरिकेड लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं। अभी हमारी गाड़ी आ गई है अंदर, ओके बाय। अब हम दोबारा से इसको लगा देते हैं। तो भैया हमने हटाया था, दोबारा लगा दिया है बैरिकेड को। देखो ये लोग फोटो सेशन करने में लगे हैं अभी भी। अच्छा फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीतामणि। यहाँ पर जरीर संस्कार वगैरह भी होते हैं, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उसके भाई का भी यहीं पे हुआ था बचपन। तो बहुत सुंदर मंदिर है, अंशु इस पे टच मत करना है, करंट भी आता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सोलर पैनल से चार्ज होता है, और ये रात में जैसे बंद हो जाएगा उसके बाद इसको ऑन कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है अभी शायद ऑन नहीं होगा, लेकिन फिर भी छूना नहीं है ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ सके। ये देखो इसके बाउंड्री के चारों तरफ है, ये ऐसे करके नीचे गया है, वो नीचे ही होगा। ये देखो ये कितना प्यारा मंदिर है यहाँ पे। तो ये मंदिर है भोलेनाथ का। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जो सीतामणि मंदिर है, यहाँ महादेव का मंदिर है स्टार्टिंग में, फिर यहाँ नीचे माँ सीता का और लवकुश का मंदिर है, ऐसा बताया जाता है। अब देखते हैं हम, यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ सीता माता बहुत टाइम तक रही थी, इस वजह से इसका नाम सीता बनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये प्रूफ किया है कि ये मंदिर जो है सीतामणि मंदिर बहुत काफी टाइम पुराना है, उसकी काफी मान्यता है। तो और आज हम इतने सुंदर मंदिर में आए हैं तो उसका बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है मुझे इस बात की। जय वीर बजरंगी। पुजारी बाबा जी हमें बता रहे थे कि यहाँ से आगे कहीं 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और वाल्मीकि जी की मूर्ति है। यहाँ पर 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसके
बाद वाल्मीकि जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर बता रहे थे बाबा जी। लेकिन वहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है, जिसमें पैदल ट्रैक है। और यहाँ पर सीता जी बहुत टाइम बिताया उन्होंने अपना समय, तो इसीलिए इसका नाम सीता बनी है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब बहुत साल पुराना माना भी है गवर्नमेंट ने कि ये बहुत पुराना मंदिर है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति हो रही है। बस ये दो बच्चों की आवाज़ आ रही है पीछे से, बाकी पूरी शांति है। जय श्री राम। तो मुख्य मंदिर वाला है माता दी। जय हो माता दी। जय हो। मंदिर है, मुख्य मंदिर है। अच्छा, तो ये संरक्षण में है, लोग टीका लगा लो। जय हो। ये मुख्य मंदिर है। हाँ, ये सीता जी है। हाँ, और लव कुश, ये इनके गोद में लव और कुश है। त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण को मार के वापस आए थे, तब किसी लोकाघात के कारण उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी से कहा उन्होंने, वहाँ छोड़ के आओ जहाँ वाल्मीकि ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनको इस जगह मिले वाल्मीकि ऋषि। अच्छा, यही सीता जी उनके आश्रम में रहे, यही उन्होंने भी तपस्या करी, यही लव कुश को जन्म दिया, तब ये लव कुश लिया सीता जी दिखाए। अच्छा, और इसी के जस्ट बगल में महादेव का मंदिर है। जय भोलेनाथ। तिमो यहाँ देख, ये कितना प्यारा है, ये जल स्रोत कितने प्यारे लग रहे हैं, और बिल्कुल प्योर वाटर होगा ये, और बिल्कुल जय हो चिल्ड वाटर है। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, यहाँ पे पानी भी पी लिया है, यहाँ वैसे लोग नहाते भी हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे पे, ये देखो ये बहुत प्यारा सा एक कुंड बना रखा है, लेकिन क्या करें हमारे पाँव में चप्पल नहीं है। ये देखिए ये जितना पानी आ रहा है, ये इसका बिल्कुल ये चारों तरफ से एक बाउंड्री करके एक कुंड टाइप बना रखा है यहाँ पर। और इसके चारों तरफ देखो कितना घना जंगल है। तो फ्रेंड्स, सब लोग ऊपर मंदिर में, हम लोग यहाँ नीचे आ गए हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा, पीछे जंगल है, घना जंगल, और हम दोनों खड़े हैं यहाँ पर जंगल के पास। और उधर पे कुछ तालाब टाइप का दिख रहा है, वो मैंने जी आपको दिखाई दिया है। तो बहुत मज़ा आया हम लोग को सीतावनी में, आप लोग को भी आया होगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करते रहिएगा आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।